नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो टेंडर होता है वो कैसे अपलोड करते हैं, ईएमडी कैसे अपलोड करते हैं और फाइनली फ्रीज करते हैं कैसे और सबमिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लीजिए और उसमें जो नीचे लिखा हुआ है वो यूआरएल टाइप कीजिए। क्या है यूआरएल? https://govtproceurement.delhi.gov.in। उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। ये वेबसाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलने पर ही आप इसको अपलोड कर सकते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का टेंडर भर सकते हैं। अगर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो आपको आई का एड इन यूज करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, नया पेज खुल गया है। इंटर प्रेस करने के बाद में ये पेज मिलेगा आपको। इस पर लॉगिन आईडी आपको इंटर करना पड़ेगा और उसके नीचे कैप्चा लिखना होगा। सबसे दाईं ओर ऊपर में लिखा हुआ लॉगिन आईडी लिख दीजिए, फिर कैप्चा इंटर कर दिए, फिर लॉगिन पर क्लिक कीजिए। कैप्चा है कैपिटल U1, कैपिटल S4, कैपिटल P3। ये कैप्चा इसलिए होता है कि पता लगे कि कोई इंसान ही टाइप कर रहा है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा एंट्री लॉगिन आईडी नहीं की जा रही है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, हैंगअप हो जाएगा, स्पैमिंग हो जाएगी इस वेबसाइट पे। इसीलिए ह्यूमन इंटरवेंशन ज़रूरी है, यही दर्शाने के लिए कैप्चा का प्रयोग करते हैं। तो लॉगिन आईडी डालने के बाद में आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और फिर से यहाँ पर कैप्चा जो कि है कैपिटल X, कैपिटल U, कैपिटल 5 है, फिर कैपिटल S है, 2 है, इनकी एंट्री भी हम कर देंगे। फिर प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। नीचे प्रोसीड बटन है तो देखिए, हमने पासवर्ड ही टाइप कर लिया है, कैप्चा भी टाइप कर लिया है। इसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और साथ में लगा देंगे डिजिटल सिग्नेचर, जो आपका DSC होता है वो भी लगा होना चाहिए। तब हम यहाँ जो नीचे लॉगिन लिखा है, जहाँ पर मैंने घेरा लगाया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर साइन करने के लिए होना चाहिए कि आप लॉगिन कर रहे हैं तो डिजिटली साइन कर रहे हैं, इसीलिए लॉगिन तभी होगी जब आप DSC लगाएंगे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब इसके बाद आपको DSC का पिन डालना पड़ेगा, इसमें जो यूजर पिन है DSC का, वो डालने के बाद में आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा सर्च एक्टिव टेंडर्स, और सर्च एक्टिव टेंडर्स पे क्लिक करने के बाद में इस समय जितने भी टेंडर एक्टिव है वो सब आपको लिस्टिंग दिखेगी, देख लीजिए। और नीचे जाएंगे तो और भी होगी। तो राइट हैंड साइड में आपको बॉक्स बना हुआ छोटा सा सर दिखाई देता है, उस बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा ताकि आप इस टेंडर को फेवरेट बना सकें। और फेवरेट बनाने के बाद में नीचे सेट ओपन टेंडर एज फेवरेट पर हम क्लिक कर देंगे, जिससे टेंडर हमारा फेवरेट हो जाएगा और इससे ये पता लगेगा कि हम इस टेंडर को भरने वाले हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने 2 टेंडर को फेवरेट बनाया हुआ है। नीचे वाले पे हम क्लिक कर देंगे, हम उसको भरना चाहते हैं। राइट हैंड साइड में जो ग्लास सा मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा बना हुआ है उस पर हम क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में नया पेज हमें दिखेगा और देख लीजिए, इसमें पूरी डिटेल है उस टेंडर की, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का है, टेंडर ID क्या है और नीचे क्या काम है, क्या क्या भरना है, डिमांड ड्राफ्ट है FDR के फॉर्मेट में। अब नीचे है टेंडर की वैल्यू क्या है, उसके बाद में पब्लिश डेट क्या है, बिड ओपनिंग डेट क्या है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड स्टार्ट डेट क्या है, डाउनलोड एंड डेट क्या है, बिड सबमिशन की एंड डेट क्या है, ये सब इसमें लिखा हुआ, इसकी डिटेल है। फिर नीचे हम इसको स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि इसकी सबमिशन कैसे होगी, क्या क्या आपको इसमें अपलोड करना है। इसके नीचे है कंटिन्यू बिडिंग, नीचे स्क्रॉल करने के बाद कंटिन्यू बिडिंग है राइट हैंड साइड पे, उस पर हम क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद में है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में है पे ऑफलाइन, आपका EMD की डिटेल इसमें लिखी हुई है, जो 7,09,495 है। उसको कैसे हम पे करेंगे? तो ऑफलाइन पे करेंगे। हमने पहले से EMD के अमाउंट की DD बना रखी है, या FDR होना चाहिए, नॉर्मली लोग ज़्यादा हाई वैल्यू का FDR बनाते हैं, उसमें हम FDR की डिटेल EMD की डिटेल डालेंगे। जैसे डिमांड ड्राफ्ट ऑप्शन है, इसमें आप FDR सेलेक्ट कर सकते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कर सकते हैं। फिर अमाउंट भरेंगे, इसमें इंस्ट्रूमेंट का नंबर, इशू डेट,
एक्सपायरी डेट, इश्यूअर डिटेल्स इसमें लिख देंगे कौन से बैंक से ये इशू हुआ है इंस्ट्रूमेंट ईएमडी का। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कि हमारा ईएमडी की इंफॉर्मेशन इसमें सबमिट हो गई है, हम ईएमडी किस फॉर्म में डाल रहे हैं। उसके बाद ये है फी ओब्लिक प्रीक्वेल ओब्लिक टेक्निकल, क्लिक हियर टू अपलोड। तो पहले हम टेक्निकल डाटा इसमें टेक्निकल फाइलें टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करेंगे। क्लिक करते ही आ जाएगा कि आपका जावा है वो आउट ऑफ डेट है, इसको अपडेट नहीं करना है, ब्लॉक भी नहीं करना है, लेटर लिख दीजिए कि बाद में हम कर देंगे, क्योंकि अगर आप जावा अपडेट कर देंगे तो आप टेंडर नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो जो नया डाटा जावा का वर्जन है वो इसको सपोर्ट ना करे, तो आप अपलोड ही ना कर पाए डॉक्यूमेंट। तो जो वर्जन इसमें है वही रहने देंगे। अब आगे अपलोड करने के लिए ऑप्शन राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ब्राउज है, उसके नीचे फोल्डर्स बने हुए और लेफ्ट में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट किस टाइप में चाहिए, तो सारे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। डिस्क्रिप्शन ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, उसमें डिटेल होती है डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की डिटेल है, ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। और राइट हैंड साइड में आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को ढूंढेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही आप सारे नीचे लिखे जितने भी हैं उसके लिए करेंगे और नीचे साइन एंड अपलोड पर हम क्लिक कर लेंगे। नीचे लिखा हुआ राइट हैंड साइड में साइन एंड अपलोड, सारा कुछ फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए भी आपको एक पीडीएफ फाइल डालनी पड़ेगी जिस पर लिखा होगा नॉट एप्लीकेबल, लेकिन आपको सारी ही फाइल डालनी पड़ेगी तभी ये ग्रीन टिक टिक आएगा अपलोड वाले में, जो ग्रीन टिक टिक है सब में। उसके बाद फिर हम बैक आ गए, अब फाइनेंस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम BOQ अपलोड करेंगे जिसमें हम रेट कोट करते हैं फाइनेंशियल बिड। फिर ये आ गया, लिखा है एक्सेल की फाइल होनी चाहिए, एक्सेलएस प्राइस बिड है ये। यहाँ से फिर फोल्डर जा बना हुआ है वहाँ से टिक करके फाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर साइन एंड अपलोड पे टिक करेंगे। और साइन एंड अपलोड करने के बाद वे ये अपलोड हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है अपलोड करने के लिए लेकिन ये हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है जैसी फाइल है भी। इसके बाद देख लीजिए आप ग्रीन टिक दोनों में आ गया, फाइनेंस में भी और फ्री क्वालिफिकेशन वाले में भी। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोनों ग्रीन टिक है इसका मतलब हमने दोनों में फाइल अच्छे से अपलोड कर दिया है, कुछ भी छूटा नहीं है। अगर छोटा होता तो यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं होती। और नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर जो ही हम क्लिक करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने किस किस फाइल के अगेंस्ट में डाले हैं, कौन कौन सी फाइलें। और सबमिट ओब्लिक फ्रीज बिड पे हम क्लिक कर देंगे और जब सबमिट ओब्लिक फ्रीज बिड पे करेंगे तो फ्रीज हो गया और आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ गई कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ये सब आपने फर कर दिया, आपने अपना टेंडर सबमिट कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक हमारे चैनल के दूसरे वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद।